बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो किसको दें? ये नहीं हुए दें, ये नहीं है जो वहाँ जितने लोग थे जो जीवित बच के आ गए, आज तक के उसे पूछताछ तक नहीं की, उसके बयान तक नहीं लिया, ये नहीं से बात करेंगे, उसे क्या उम्मीद करते हैं आप? ये नहीं है हमने कहा कि आप जांच पूरा कर दिए, उसको हमको वापस दे दो, तो राज्य सरकार ने किया तो हाई कोर्ट चल दे, सुप्रीम कोर्ट चलेगा, तो वो खुद जांच नहीं कर रही है और दूसरा जांच करने दे नहीं रहे हैं और तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? यदि एनआईए ने जांच कर ली, कुछ नहीं पाया, तो वो जांच की कॉपी हमको दे दे, मतलब जांच हमको वापस कर दे। राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया, क्यों गए फिर हाईकोर्ट? जांच होने देते, दोनों जांच कर लेते। भाई आयोग ने जांच की ना, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच कराए और हाई कोर्ट के जज ने, राज्य सरकार ने उसको जांच कमेटी गठित की और जमा कहाँ किया? राजभवन में। कभी ऐसा हुआ है आज तक इतिहास में? कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जो चीजें ये इसमें सब कुछ दिख रहा है कि इसमें कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यदि सही है और एनआईए ने जांच कंप्लीट कर ली, तो राज्य सरकार जब मांग रही है तो दे दे। मैंने एचएम को पत्र लिखा, एनआईए को पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री को फोन मतलब पत्र लिखा, आखिर में बोले अब चिट्ठी लिखना बंद कर दे बघेल जी। क्या मतलब है? वो नहीं देना चाहते। आखिर भाई उससे दो तीन सवाल हैं कि वहां से रोड ओपनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था, क्यों नहीं था? दूसरा पूछ के क्यों पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारे थे? कभी अभी कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं? और फिर जब ये 4 बजे की घटना थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दिए? तो बहुत सारे 3-4 सवाल हैं। और फिर एनआईए के कोर्ट ने एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में, उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के? और उस जज का ट्रांसफर करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया, तमाम मीडिया में ये खबरें थी। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती, इतनी बड़ी घटना और उसको अब ये उपटांग बयान दे रहे हैं। निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई, जवानों की जान, के हमारे नेताओं के कार्यकर्ताओं की जान चली गई, इनको राजनीतिक सूझा है? हमारे लिए भावनात्मक मामला है। सर ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आप लोग कराने जा रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आमंत्रण मिलेगा तो विचार करूंगा, आप लोग देंगे क्या निमंत्रण? अरे सबको निमंत्रण भाई, शासकीय कार्यक्रम है, सबको निमंत्रण जाता है, उसमें क्या है? अरुण साहब जी अतिरिक्त चाहते हैं तो अतिरिक्त भेज देंगे, उसके बाद 2 कार्ड भेज देंगे। ये राहुल गांधी जी अब जो ट्रक ड्राइवर है उनकी समस्या सुनने के लिए उनके साथ सफर कर रहे हैं और जान रहे हैं क्या हाल चाल है, उनकी दिक्कतों को समझ रहे हैं। देखिए राहुल जी, देश के लोगों के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको जानने के लिए तह तक जाते हैं। मछुआरों की समस्या जानने के लिए वो मुंबई भी गए थे, केरल भी गए थे, देश के जो स्थिति है उसे उस हालात से समझते हुए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, किसानों के पास गए, मंडी में गए, हर वर्ग के पास हो जाते हैं। अभी ट्रक ड्राइवर की जिंदगी किस प्रकार से, उनके पास समस्याएं किस प्रकार से आती है इस जीवन में, तो वो जानने समझने और समस्या को उठाने के लिए ठीक है। सर ये हर्बल ब्रांड को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हर्बल ब्रांड को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, आगे क्या योजना है सर इसको लेकर? देखिए लगातार हम लोगों ने जितने भी हमारे चाहे लघु उपज हो चाहे वन औषधि हो, उसको संग्रहण करने और उसका वैल्यू एडिशन करने का काम और उसे विक्रय करने सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं और उसे आशातीत सफलता भी मिलती जा रही है। ठीक है, थैंक यू।